हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू SSB क्रैक एग्जाम्स। आई एम शिफाली और आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेली रूटीन ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी कैडेट्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में केवल मेल कैडेट्स को ही ट्रेनिंग दी जाती है और फिलहाल फीमेल कैडेट्स के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और आज इस वीडियो में हम आपको NDA कैडेट्स के डेली रूटीन को विस्तार से बताएंगे। अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी रिटन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको फुल लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, लेसन प्लान्स और बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जिसे आप NDA रिटन एग्जाम्स क्रैक करने में हेल्प करेगा। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी में 15 स्क्वाड्रंस होते हैं जिनका नाम A-O सेक्शंस में बांटा गया है। हर एक सेक्शन में 120 कैडेट्स होते हैं और कैंपस में कैडेट्स का टोटल स्ट्रेंथ लगभग 1800 होता है। अगर बात करें नेशनल डिफेंस एकेडमी की ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ की, तो कैडेट्स का डेली रूटीन शुरू होता है सुबह के 4 बजे से 6 बजे तक, जिसमें कैडेट्स फ्रेश अप और रेडी होकर मॉर्निंग ड्रिल के लिए निकल जाते हैं। मॉर्निंग ड्रिल सुबह के 6:30 AM to 8 AM होता है और सेशन कंप्लीट हो जाने के बाद ब्रेकफास्ट का टाइम आता है जो कि 8:30 to 9 AM होता है, जिसमें कैरेट्स को हेल्दी फूड दिया जाता है और गलती से अगर कैरेट लेट हो जाए तो उसका ब्रेकफास्ट कैंसिल कर दिया जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद कैरेट्स अपने अकेडमिक क्लासेस के लिए निकल जाते हैं, जिसका टाइम सुबह 9 बजे से 1 बजे तक होता है, जिसकी क्लासेस 6 पीरियड्स में डिवाइड की जाती है और जिनमें अलग अलग क्लासेस चलती है बेस्ड ऑन कैडेट्स चॉइस। और हर एक पीरियड के बाद कैडेट को एक हॉल से दूसरे हॉल के लिए जाना पड़ता है। क्लासेस खत्म हो जाने के बाद कैडेट्स लंच के लिए निकल जाते हैं, जिसका टाइम 1:30 PM होता है, और लंच कम्प्लीट करने के बाद गेम्स का सेशन होता है जिसका टाइम 3 से 6 बजे होता है, जिसमें कैडेट्स फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल खेल सकते हैं और अगर आपने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तो आप उस स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टडी टाइम, जिसका टाइम 6:30 से 8 बजे तक होता है। इस टाइम कैडेट्स अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं और अपने पेंडिंग काम भी कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें रूम क्लीनिंग, आयनिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा चीज़ें आती हैं। इसके बाद 8 to 8:30 फॉलन होता है। CSM, जिसको कैडेट स्क्वाड्रन मेजर बोलते हैं, वो दूसरे कैडेट्स को ऑर्डर पास करते हैं और हाँ, अगर आपने कोई भी गलत काम करा है तो आपको पनिशमेंट भी दे सकते हैं। बट टेक इट इन अ पॉजिटिव वे एज दिस विल मेक यू टफ एंड विल इम्प्रूव योर मिस्टेक्स। और इस सेशन के बाद आता है डिनर, जिसका टाइम 8:30 to 8:50 PM होता है। इस टाइम सारे कैडेट्स एक साथ डिनर करते हैं और डिनर कंप्लीट हो जाने के बाद कैडेट्स अनऑफिशियल फिजिकल एक्टिविटीज के लिए जाते हैं, जिसका टाइम 9 बजे से 10 बजे होता है। सीनियर जूनियर कैडेट्स को फिजिकल एक्टिविटीज देते हैं, मगर ये सेशन थोड़ा सा अनप्लेजेंट होता है क्योंकि डिनर के तुरंत बाद आपको ये सेशन करना पड़ता है और सेशन कंप्लीट हो जाने के बाद कैडेट्स 10 बजे तक सो जाते हैं। लेकिन अगर आपके सुबह से कोई मिस्टेक या फिर अगर आपने इन अप्रोप्रिएटली ड्रेसअप हुए थे तो आपकी पनिशमेंट का टाइम भी बढ़ सकता है। और हाँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपका डेली रूटीन में सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि टाइम टू टाइम इंटरनल एग्जाम्स भी कंडक्ट होते हैं। इसके अलावा आपके अदर एक्टिविटीज जैसे इंडोर आउटडोर गेम्स, योगा एक्सेट्रा में आपको इंडल्ज होना पड़ता है। और डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट दो ऐसी स्किल्स है जो कैडेट को बेहतरीन ऑफिसर बनाता है। और एक चीज़ क्लियर है कि आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी में सर्वाइव करने के लिए हार्डवर्क, पर्सिवेरेंस एंड डेडिकेशन होना ज़रूरी है टू बिकम एन गुड ऑफिसर। तो ये थी डेली रूटीन ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी कैडेट्स। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। फॉर लेटेस्ट अपडेट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर SSB क्रैक एग्जाम्स चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।